हेलो एवरीवन, कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर इंटरनेट। असल में ये एक नया चैप्टर है। लास्ट टॉपिक में हम रिसेंटली हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक्स जिन्हें हम अभी तक कवर किया है। अगर उसमें कुछ रहा है तो हम बाद में उसको हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के लिए हम स्पेशली उसमें हम सिलेक्टिव यानी एब्रिवेशन वगैरह हम पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा जाते हैं, वो हम बाद में एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी क्या है, एक न्यू चैप्टर है। जैसे कि हम सबको पता है कि इंटरनेट यानी एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें जिसको यानी मिलियंस ऑफ यानी यूजर्स यानी वर्ल्ड लेवल पे एक्सेस करते हैं। बहुत सारी कंप्यूटर्स यानी इसमें क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये है इंटरनेट का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, यानी इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा यानी ग्लोबल नेटवर्क है। ग्लोबल मीन्स जिस जो यानी वर्ल्ड लेवल पे कवर कर सकते हैं उस नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क में से हम वाइन को बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है। इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कंसिस्ट दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी ये क्या है, इंटरनेट जो है एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें कनेक्टेड होते हैं मिलियंस यानी जो लाखों करोड़ों जो कंप्यूटर्स यानी क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड पे, पूरा वर्ल्ड लेवल पे। इसको यानी हम ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पब्लिक प्राइवेट एकेडेमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क, जिसमें बहुत सारी मिलियंस ऑफ पब्लिक नेटवर्क होते हैं, प्राइवेट होते हैं। जैसे कि पब्लिक मीन्स हर कोई यानी इसको यानी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यानी हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं मीन्स यानी हम पब्लिक नेटवर्क में आ गया। प्राइवेट जब हम कोई भी यानी कोई भी जैसे कि प्राइवेट यानी होम के लिए, ऑफिस के लिए, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं उस ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। और एकेडमी जैसे कि कोई स्कूल कॉलेज वगैरह में, बिजनेस लाइन पे जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसिंग अगर हम परचेस करना है या कुछ भी करना है तो बिजनेस के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए हम नेटवर्क के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये सब यानी हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं, हम इंटरनेट को। इट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर ग्लोबली। जो इंटरनेट है जो यानी बिलियंस ऑफ कंप्यूटर को यानी टुगेदर एक साथ यानी क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं ग्लोबली, पूरा वर्ल्ड लेवल पे। फिर इसके बाद फॉर्मिंग अ नेटवर्क यानी एक नेटवर्क बन जाते हैं इन विच एनी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर। इससे यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं वर्ल्ड लेवल पे। एज लॉन्ग एज दे बोथ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, मगर इसमें एक शर्त है, दोनों कंप्यूटर जब हम एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर से अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो दोनों में क्या होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। ये है एक शर्त। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। हम अभी टर्न करेंगे नेक्स्ट पे। तो लास्ट जो उसका है इंटरनेट, जब हम इंटरनेट की अभी हम बात कर रही थी, वर्ल्ड लेवल पे यानी कंप्यूटर से यानी क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है, फिर आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, मगर इसमें क्या होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए दोनों कंप्यूटर्स में। अब इसके बाद नेक्स्ट बोल रहे, इट यूज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP एंड IP टू कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स वर्ल्ड वाइड। मीन्स यानी इसमें जो इंटरनेट यानी जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, जब प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल को, जिसको यानी हम क्या कहते हैं, TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों यानी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट में यानी क्या होता है, यूज़ होते हैं टू कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर, यानी बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर को कनेक्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड पे, पूरा वर्ल्ड में बड़े पैमाने पे, यानी जब हम एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अगर हमें कनेक्टेड तो है, मगर इसमें अगर कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, प्रोटोकॉल जिसको हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ रूल भी कहते हैं। तो उस सेट ऑफ रूल यानी हमारी इंटरनेट में कौन सा सेट ऑफ रूल होते हैं, TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP
जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो अभी हम फिगर में आप लोगों को दिखाती हूँ इस इंटरनेट का, यानी जो डायग्राम कुछ इस तरह से है, जैसे कि ये क्या है, एक इंटरनेट जिसको हम वैन भी कह सकते हैं, यानी ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें एक वर्क स्टेशन भी कनेक्ट होते हैं, एक लाइन भी कनेक्ट होते हैं, एक होम नेटवर्क भी होम कंप्यूटर भी इससे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और ऑपरेटिव नेटवर्क भी यानी इससे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अगर कम्युनिकेट करना है तो इसमें एक प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। प्रोटोकॉल्स मीन्स एक रूल की ज़रूरत है जिसको हम क्या कहते हैं, TCP/IP, जिसको हम क्या कहते हैं, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की ज़रूरत होता है। तो ये है इंटरनेट का इंट्रोडक्शंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।